प्रभु की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को सलाम मेरे दोस्तों और मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर के नाम की महिमा हो और प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं और आज हम परमेश्वर के चरणों में आए हैं। हालेलुया। हम सभी परमेश्वर के नाम की महिमा करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करें और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने आज हमें जीवित रखा। हालेलुया। भला चंगा रखा मेरे प्रिय भाई बहनों। आज हम जीवित और भले चंगे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो परिस्थिति में दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, बीमारी में, तकलीफों में दबे हुए हैं। आज हमें उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है मेरे प्रिय भाई बहनों, और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए मेरे प्रिय दोस्तों। हम पवित्र आत्मा के बिना हम प्रार्थना में आलसपन करते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को ले लेते हैं तो आलसपन कहीं और चला जाता है और पवित्र आत्मा हमारे ऊपर कब्जा कर लेती है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के चरणों में जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करने से पहले हमें परमेश्वर के वचन को देखना है। हालेलुया। तो आइए हम खोलेंगे प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8 पद ऐसा लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम घर में बैठे नहीं रहोगे, तुम आलसपन में बैठे नहीं रहोगे, लेकिन यरूशलेम से निकलकर तुम यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। आपका डर दूर हो जाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका डर दूर हो जाएगा। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, हम पर आएगा, तो हर प्रकार का डर खत्म हो जाता है। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तो हर बंधन खुलने लगते हैं, हर परेशानी खत्म होने लगती है, हर बोझ हल्का होने लगता है। जब हम पर पवित्र आत्मा का छाया रहता है तब हम सामर्थ्य को पाते हैं और हर बंधन को तोड़ने की सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाती है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो जब पत्रस और सब विश्वासी जन प्रार्थना कर रहे थे और वहां पर आकाश से एकाएक शब्द सुनाई दिया और पवित्र आत्मा से भर गए और पवित्र आत्मा से भरकर वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। हालेलुया। वहां के लोग कुछ देख रहे थे, वो बोल रहे थे कि ये तो नशे में है, लेकिन पत्रस ने जवाब दिया ये नशे में नहीं लेकिन पवित्र आत्मा की नशे में है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आइए हम आज पवित्र आत्मा को ले लें और पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमारे हर प्रकार के बंधन खुलने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हर प्रकार के शैतान की शक्ति भस्म होने जा रही है। पवित्र आत्मा के द्वारा हर प्रकार के श्राप आज खत्म होने जा रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। आज विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। जो कोई विश्वास के साथ प्रार्थना करता है उसके ऊपर पवित्र आत्मा आ जाती है और उसके ऊपर छाया, उसके ऊपर डेरा कर लेती है और उसे नियंत्रण करके पवित्र आत्मा सामर्थ्य देती है प्रार्थना करने के लिए। हम प्रार्थना नहीं करते, लेकिन हमारे लिए पवित्र आत्मा प्रार्थना करती है परमेश्वर से। तो आइए क्यों ना हम आज पवित्र आत्मा को हम अनुमति दें और हमारे अंदर जब पवित्र आत्मा आएगा तो हमारे जीवन से हर प्रकार की बेरोजगारी, हमारे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, हमारे जीवन के में से हर प्रकार की चिंताओं के बंधन टूटने वाले हैं, खुलने वाले हैं। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के चरणों में जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर को कहें परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में पवित्र आत्मा को भेज दिया है, अब उसे रिसीव करने की जरूरत है, उसे हमें अनुमति देने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों ना हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा तेरी जय, यीशु मसीह तेरी जय। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद, परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद। हालेलुया। 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 पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा, पवित्र परमेश्वर, अति करुणा में परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी करुणा सदा के लिए है खुदा। हालेलुया। आपकी करुणा पिता परमेश्वर महान है। हालेलुया। हम नाश नहीं हुए, हम मिट नहीं गए, क्योंकि ये तो आपकी महा करुणा का फल है। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र सेनाओं का यहोवा, पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस भोर के लिए, धन्यवाद करते तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद करते तेरे पवित्र आत्मा के लिए। और पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा जब आते हैं तो सामर्थ्य को लेकर आता है और सामर्थ्य जब हमारे अंदर आती है तो हर बंधन खुल जाते हैं, हर पाप अपराध
धुल जाते हैं, हर प्रकार के ओ शैतान की शक्ति भस्म हो जाती है। हालेलुया, आपका धन्यवाद परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा के लिए। और पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को लेना चाहते हैं। पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए परमेश्वर, पवित्र आत्मा के सामर्थ हमें चाहिए पिता परमेश्वर। जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो तब तुम सामर्थ को पाओगे, हालेलुया, और हर बंधन टूट जाएंगे, हर बंधन खुल जाएंगे, हर श्राप खत्म हो जाएंगे, चिंताओं का बंधन खत्म हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर तेरे वचन में देखते हैं तो पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे, लेकिन वो ऐसे चुप नहीं बैठे थे, वो परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे थे, और पवित्र आत्मा की सामर्थ वहां पर उतरी और भूकंप होने लगा और उनके बंधन, उनके बेड़ियां खत्म होने लगी, वो नष्ट होने लगे और वो खुल गए। हालेलुया, खमा बाबा रशकना लरा थी ना लरा बाबा बारा शिकना लरा थी रिकना लरा बाबा बारा शिकना लरा थी। हर बंधन खुलने जा रहे हैं आज, हर बंधन टूटने जा रहे हैं। हालेलुया, पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए खुदा। हालेलुया, पवित्र आत्मा हम पर छाया कर। हालेलुया, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से परमेश्वर, हम मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दीजिए परमेश्वर, आज वो अन्य अन्य भाषा में बोलने वाले हो जाए। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य लीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा को रिसीव कीजिए यीशु के नाम से। खामा बाबा राशिकना लरा थी ना लरा बाबा बा रिकना लरा थी ना लरा बाबा राशिकना लरा थी। उनका मुँह खुल जाए यीशु के नाम से, वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। हालेलुया, जब पतरस और सब लोग इकट्ठे थे, पेंटिकॉस्ट का दिन था, और वहाँ पर आकाश से एकाएक शब्द सुनाई दिया और आंधी की जैसे पवित्र आत्मा आने लगे, और जितने भी वहां पर बैठे थे उनके जीभ फटने लगे और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया, खमा बाबा रशकना लरा थी ना लरा दादाबाना लरा सिकना लरा थी। यीशु के नाम से आज पवित्र आत्मा को ग्रहण कीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का डेरा बसने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, खमा बा रशकना लरा बाबा रशकना लरा थी ना लरा बाबा रशकना लरा थी। यीशु के नाम से आज आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भेज दिए परमेश्वर, भेज दीजिए परमेश्वर, मेरे प्रिय भाई बहनों के मुंह खुल जाए, अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करने लगे पिता परमेश्वर, क्योंकि अन्य भाषा आपका भेद को जानती है, वो किसी इंसान से नहीं बातचीत करती, लेकिन वो परमेश्वर से डायरेक्ट बातचीत करती है। हालेलुया, 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 खमा बारशकना लरा दादाना लरा बाबा बारशकना लरा थे। यीशु के नाम से आज हर बंधन खुल जाएंगे यीशु के नाम से, हर श्राप खत्म हो जाएंगे यीशु के नाम से, हर बीमारी खत्म हो जाएगी यीशु के नाम से। मैं दोस्तों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अभी खटोलों में पड़े हैं परमेश्वर, किसी बोझ से दबे हुए हैं परमेश्वर, यीशु के नाम से हर बंधन टूटने पाए, खुलने पाए। मेरे प्रिय भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज उनको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे दीजिए, पवित्र आत्मा भेज दीजिए, ताकि वो पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना करने वाले बन जाए परमेश्वर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। मेरे पिता, मेरे स्वामी, मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ओ यीशु मसीह के नाम से, शरीर के हर कमजोरी कष्ट पीड़ा उसका दूर हो जाए, हर प्रकार के मुंह के छाले खत्म हो जाए परमेश्वर, यीशु के नाम से उसके हर प्रकार की कमजोरी यीशु के नाम से खत्म हो जाए परमेश्वर, यीशु के नाम से अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए परमेश्वर, तो छू लीजिए परमेश्वर। हालेलुया, मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है कि मेरे परिवार में वो कोई सुखी से नहीं है, कमजोरी में है, परेशानियों में है, लेकिन आज मैं यीशु के नाम से पवित्र आत्मा को सामर्थ्य को लेकर उस परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर प्रकार की कमजोरी कष्ट पीड़ा बीमारी कमजोरी यीशु के नाम से खत्म होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, यीशु के नाम से उसके परिवार में वो विश्वासी एक ही है परमेश्वर, यीशु के नाम से परमेश्वर पिता उसे विश्वास में मजबूत कीजिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दीजिए, ताकि उसका डर भय खत्म हो जाए और आपके नाम की महिमा, आपके नाम के सामर्थ्य को लेकर, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को लेकर यीशु के नाम से विश्वास में मजबूत हो जाए और वो पूरा घराना उद्धार पाने वाला बन जाए खुदा। हालेलुया, खमा बाबा रशकना लरा थी ना लरा बाबा रशकना लरा था। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं उस आंटी के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, उन्हें पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए, शक्ति से भर दीजिए परमेश्वर, और विश्वास में मजबूत कीजिए परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर अपने बेटा बेटी को समझाने वाली बन जाए परमेश्वर,
परमेश्वर, वो उसका डर खत्म हो जाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए परमेश्वर उन्हें, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भर दीजिए ताकि पिता परमेश्वर अपने घराने को बचाने वाली बन जाए यीशु के नाम से। खमा बाबा बाबा यीशु के नाम से मैं उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। पिछले दिनों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर, उसमें पिता परमेश्वर वो परिवार में अकेली है प्रभु, लेकिन परमेश्वर वो धीरे धीरे पिता परमेश्वर तू उसे विश्वास में बढ़ा रहा है प्रभु। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, एक दिन पिता परमेश्वर वो आपके नाम की महिमा पूरे घराने के समेत करने वाली बन जाए यीशु के नाम से। उसके अंदर से हर प्रकार का डर खत्म हो जाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भेज दे यीशु के नाम से। हर बंधन खुल जाए यीशु के नाम से, हर श्राप खत्म हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया परमेश्वर। आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और हर प्रकार का डर खत्म हो जाएगा। तुम घर में बैठे नहीं रहोगे, आलसपन में बैठे नहीं रहोगे, लेकिन यहूदिया सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह हो जाओगे, तूने कहा प्रभु। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को भेज दीजिए ताकि पिता परमेश्वर वो चुप ना रहे लेकिन आपकी महिमा करने वाले बन जाए। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को जवाब दे दिया पिता। आपने हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य दे दी, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। पूरा आदर और इज्जत हम आपको देते हैं, सब बातें आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की जय जयकार हो, आपके नाम की बड़ाई हो खुदा। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। पूरा आदर और इज्जत हम आपको देते हैं। पवित्र आत्मा तेरी जय, प्रभु यीशु मसीह तेरी जय, अनुग्रहकारी परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। पूरा आदर और इज्जत हम आपको देते हैं, सब बातें आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। जो ऊंचा और पहला स्थान है हम आप ही को सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पा लीजिए मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और घर में बैठे नहीं रहोगे। हर प्रकार का डर खत्म हो जाएगा, हर प्रकार के चिंताओं का बंधन खत्म हो जाएगा, हर श्राप खत्म हो जाएगा और यरूशलेम से लेकर पृथ्वी के छोर तक आप गवाह हो जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इन प्रार्थनाओं को, इन वचनों को आप अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रिय भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए और आप हमारे साथ रोज रोज प्रार्थना में जुड़िए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हमारी जो स्वाटर कलीसिया है आपके लिए जरूर प्रार्थना करती है और प्रार्थना करती रहती है। हालेलुया, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रभु में सदा आनंदित रहें, खुश रहें। सभी को जय मसीह की।